वो वाले अहले तैयार हो रहे हैं, वो तैयार हो गए, वो वहाँ पे बॉइल हो रहे हैं, उबल रहे हैं, नहीं वो भी हो रहे हैं, खाली हो जाएगा। कितने किलो चने रोज के बन जाते हैं? आम रूटीन पे 300 किलो है, इतवार को 500 किलो, हफ्ते को 400 किलो। अच्छा माशाल्लाह। एक किलो कितना होता है? 75 किलो। एक तसले में जी 75 किलो चने होते हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਖੋਲੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਨੀਚੇ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਕਿੰਗ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਦੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 10 ਤੱਕ? अच्छा थले ही डूबा हुआ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਭਰ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਚਨੇ, ਔਰ ਜਬ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਚਨੇ ਡਾਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਤਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਿਆਰ। ਅੱਛਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੰਡੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚਨੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਨੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਇਨਕੋ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਨੇ ਆ, ये भी चने हैं, चने ही चने हैं माशाल्लाह। तुहानू ते बोरियां दी बोरियां चाहिए होंगी? हां जी। देसी चने रख दियो कि ऑस्ट्रेलियन? देसी दे वाली दे ब्रेड दे। हां जी। और चीकू भी होने और सेल दे भी होने ना उसी नहीं करते। अच्छे होंदे ही देसी ने, जायका उना दा ही है। हां जी। तो मैं आपको बता रहा था इसमें भी चने हैं, इसमें भी चने हैं, 75 किलो इसमें हैं, 75 किलो इसमें हैं। इन्होंने अभी बॉयल होना है, ये इन्होंने तसला रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। तो ये चने अभी उबल रहे हैं, जैसे ये चने बॉयल होंगे वो नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे ये मसाले के अंदर इसको पकाएंगे, कुक करेंगे। और वो इनकी सारी बात सीक्रेट सी रेसिपी है, जब ये कुक हो जाएंगे फिर ये इधर आ जाएंगे, और यहाँ से जो है ना ये लोड करके बाल्टियों में, और ये नोज़ल के थ्रू ये पाइप जा रहा है इनका, ये जो पाइप लाइन है ये नीचे जा रही है, वो आपको नज़र जा रहा है नीचे, जो ऐसा ना मेला लगा हुआ है, और ये सारे जो है ना नीचे जाते हैं पाइप के थ्रू। तो ये पाइप जाएंगे।
Thank you.
ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਹੀ ਅੱਜ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਰਾਹ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਭੇਜ चला जा
ਵਾਈਟ ਬੋਡੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਲਾਲ ਹੀ ਪਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਏ अस्सलाम वालेकुम जी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही शोर दी ठीक है मैं
अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं बाबा फरीद बोंग पाई शॉप पे जो कि जीटी रोड पे वाकई है। ये इनके ओनर हैं। सामने गुल्लू खान बेकरी है, उसके ऑपोजिट एमसीबी बैंक है। ठीक है ठीक है। और हम इनके ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। तो आप बताएं, आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? मुझे इधर आए हुए 3 साल हुए हैं काम शुरू किए। 3 साल माशाल्लाह। हाँ, 3 साल। और आपका काम देख के लग रहा है माशाल्लाह, एक तो साफ सुथरा ही बहुत ज़्यादा है। ये सब मेरे अल्लाह का काम है। और इसके अलावा रश बहुत ज़्यादा है, आपके आने से पहले लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो ये क्या इस तरह मैजिक क्या है आपकी इस चीज़ में? टाइमिंग में आता हूँ 7:15 बजे आता हूँ, 8:15 बजे काम शुरू हो जाता है। और जनरली लोग सुबह के टाइम बॉन्ग पे लगाते हैं, आप रात को क्यों लगाते हैं? ये असल में मेरा यही था कि यार सुबह तो सब तरफ मिलती है, तो रातों को कोई चीज़ का दिल करे खाने को तो वो कहाँ जाएगा? सही, सही। वो मेरे पास आएगा रात को खाने के। सही। उसको पता होगा कि भगवानपुरा मैंने जाना है तो वहाँ पे रात को बोंग पाई लगाता है भाई। बाबा फरीद बोंग पाई नाम है इसका, तो अल्लाह का बड़ा करम है। सही हो गया। और अपने जरा रेट वगैरह बता दें किस तरह से मिक्स का रेट, बोंग पाई का, सालन का क्या रेट है? रेट है फुल प्याला जो है ना 800 रुपये का, हाफ 400 का है, क्वार्टर 200 का है। मिक्स का भी यही रेट है? और दाल रोटी वगैरह सब का यही? सब कुछ मिलेगा। और कोई लिमिट है? हाफ और फुल में मिक्स भी ऐड होगी, मछली पाए की बोटी इसमें ऐड होगा। जो क्वार्टर है उसमें सिर्फ पाए की बोटी होगी, मछली की बोटी होगी, ऐसा मिक्स होगा। तो आपका काम अच्छा, और आप अपनी टाइमिंग बता दें और किस दिन आते हैं और लोकेशन, ये चीज़ें बता दें ज़रा। लोकेशन भी बताना है। छुट्टी तो मेरी कोई नहीं है, कुछ शादा ना तो छुट्टी होती है, पीर से इतवार छुट्टी कोई भी नहीं होती, कभी कोई मसला हो तो फिर छुट्टी होती है, नहीं तो छुट्टी कोई नहीं है। तो 7:15 बजे आते हैं, 8:15 बजे काम रेडी होता है, 8:15 बजे काम शुरू हो जाता है। और फिनिश कितने बजे करते हैं? एंड टाइम क्या होता है? टाइम रात 3 बजे तक। 3 बजे तक, कभी 2:30 बजे भी फारग हो जाते हैं, कभी 3, लास्ट टाइम 3 बजे। चलें भैया, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.
जिम टाउन में रहते जमराज
सात छोटे नाल रोटी का प्याला मिल गया तेनू।
डब्बे बार कड़ी यार ते दिन पूरे हो यार इतने रखो मेरा हाथ रुकता
दो लस्सियां रड़ियां लस्सी चाचू एक दे देना लस्सी ना ना शक्कर मेरे दो रुपये
Thank you.